हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन का कीरिंग, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। एक चेन अब हम इस रिंग के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। हम इसके अंदर बनाएंगे आठ सिंगल क्रोशिया। इस रिंग के अंदर हम आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इस सर्कल को छोटा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो पहला सिंगल क्रोशिया था, उससे हमने स्लिप स्टिच करना है। धागा लेके उसमें से ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसी में, जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया, इसी में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक और दो। अगर आप बिगनर हैं या आपको, आप क्या कर सकते हैं, जो आप जहाँ से आपने राउंड शुरू किया है वहाँ पे आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, ताकि जब हम एंड में आएँ तो आपको पता चले कि हमने कहाँ से शुरू किया था, ताकि कोई परेशानी ना हो। अब हमें क्या करना है, हर स्टिच में दो दो सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक, दो। तो पहले राउंड में हमारे पास आठ सिंगल क्रोशिया थे, तो इस राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। वन एंड टू, नेक्स्ट में भी हम दो दो, ऐसे हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक और दो। हर स्टिच में हमें दो दो सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये हमारा राउंड खत्म हुआ। अब हमारा जहाँ पे हमने ये मार्क किया था, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर इसी, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है, यहीं पे ही एक सिंगल क्रोशिया दोबारा से करना है। अब ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम एक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। वन टू, वन टू करके ऐसे हमें ये राउंड पूरा करना है। अब हमने पहले में एक सिंगल क्रोशिया किया था, उससे नेक्स्ट में अब हम
दो सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। अब उसे नेक्स्ट में फिर एक करेंगे, अब इसे नेक्स्ट में हम फिर दो करेंगे, अब इसे नेक्स्ट में एक करेंगे। ऐसे आपको ये राउंड पूरा कर लेना है, ऐसे अब आपको ये पूरा राउंड कर लेना है, एक दो करके ये पूरा राउंड कर लेना है। ये मैंने पूरा राउंड कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट वाले से, जहाँ पे हमने अब इसी में ही सेम हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब इसे नेक्स्ट में हम दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसे नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया। अब देखिए, वन सिंगल क्रोशिया, अब इसे नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा राउंड कर लिया है, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में थर्ड वन में दो सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हमने पूरा राउंड कर लेना है, और फिर फर्स्ट वन में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। अब फिर से जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया, फिर दोबारा से उसमें एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, और फिर उसे नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें पूरा राउंड करना है। देखो, एक में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर फोर्थ वन में दो सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। वन वन वन, फिर थर्ड फोर्थ वन में दो सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वन में स्लिप स्टिच करके इसको लॉक कर देना है। ये हमारे रेड वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट कलर ऐड करना है। अब हम इस थ्रेड को कट किया। अब हमें नेक्स्ट कलर ऐड करना है, तो हमें पहले नॉट लगानी है। और आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी स्टिच से इंसर्ट कर सकते हो।
एक चेन बनाई आपने और फिर इसी में आपने एक सिंगल क्रोशिया किया, जिसमें आपने चेन बनाई, ये सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया किया, दो, फिर नेक्स्ट में भी तीन, फिर उसे नेक्स्ट में भी चार, चार स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया किया और फिफ्थ वन में आपको दो सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार और ये पांचवे में हमने दो सिंगल क्रोशिया किए, वन टू थ्री फोर, और ये फिफ्थ वन में देखना वन टू थ्री फोर में हमने एक एक किया है, अब इसमें हमने फिफ्थ वन में दो किए हैं, ऐसे आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने वाइट वाला राउंड पूरा किया और अब फर्स्ट वन में हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच कर लेना है और ये हमारा वाइट का इतना ही, हमें एक ही राउंड करना था वाइट का। अब हम नेक्स्ट ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, ग्रीन में भी सेम हमें पहले नॉट लगा लेनी है, और आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको जहाँ पे आपने ख़त्म किया वहीं से करो, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हो। इसको इंसर्ट किया, एक चेन बनाई और फिर इसी में ही हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हमने क्या करना है, दो राउंड करने हैं, सब में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, किसी में हमने इंक्रीज नहीं करना, हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया करते हुए चलना है हर स्टिच में, किसी भी स्टिच में दो नहीं करने, सब में एक एक करते हुए जाना है हमने, और ऐसे हमें इसकी दो राउंड बनाने हैं ग्रीन के। तो मैं आपको फर्स्ट राउंड कर, ये देखिए ऐसे आपको हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे मैं आपको ये राउंड करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन का फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे और इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ऐसे फिर से हमें सेकंड लाइन करनी है पूरी। फर्स्ट वन को मार्क कर दिया, ऐसे आप सेकंड राउंड ग्रीन का पूरा कर लेना है। ये देखिए मैंने सेकंड राउंड भी ग्रीन का पूरा किया, हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे अब आप देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा इसको ये वाटरमेलन की स्लाइस थोड़ा रियल लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप इसके सीड्स, ऐसे हम, मैंने एक काला धागा लिया है
ऐसे आपको कहीं कहीं बना देने हैं इसको। अगर आप पतला धागा लेंगे तो ये नज़र नहीं आएंगे। मैंने धागे को 4 बार किया है तो करा है तो थोड़ा आप ऊन का धागा भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल धागा लिया है। अगर ऊन का धागा लेंगे तो आपको एक बार में ही ठीक हो जाएगा। अगर वैसे आप सिंप्लेन सिलाई वाला वो ले रहे हैं तो आप उसको 4 बार कर लेना, तभी ये नज़र आएगा, वरना ये नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा पीछे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है, मैंने थोड़े लगाए हैं तो आप ज़्यादा भी इसको मार्क कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसके अंदर कॉटन बाद में फिल करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। और ये जो बाहर वाले हैं ये देखिए, ये देखो, सिर्फ इनको एक एक उठाना है। और सिंगल, आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं या स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। मैं तो सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, अगर आपको स्लिप स्टिच करना है आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। आपको एक एक उठाना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। जब एंड में थोड़ा सा रह जाएगा हम कॉटन तब फिल करेंगे। ये देखिए, मेरे पास फाइबर वाली है, आप नॉर्मल कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस रह गया है, हम इसको फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप फिल करते रहिए ताकि एकदम से फ्लफी ना हो जाए। और ऐसे प्रेस करके आप उसको, ऐसे आप प्रेस करते रहिए ताकि एक जगह इकट्ठी ना हुए। ऐसे ऐसे करते रहिए और प्रेस करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कॉटन और फिल करनी है।
ये देखिए, अब इसको हमने पूरा स्टिच कर देना है। और आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है। आप इसको कीरिंग बनाना चाहे कीरिंग बना सकते हैं, या आपको ऐसे ही डेकोरेशन के पर्पज़ से बनाना है तो आप डेकोरेशन के पर्पज़ से बना सकते हैं। मतलब ये देखिए, अगर आपको इसको कीरिंग बनाना है तो अब आप चेन बना सकते हैं। और अगर आपको कीरिंग नहीं बनाना तो एंड तक आप स्टिच करके एज ए डेकोरेशन के लिए यूज़ करना तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपको कीरिंग बनाना है तो आप चेन बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देख लीजिए आपको कितने चाहिए, कितना बड़ा ही। मतलब ये देखिए, जब हम करेंगे तो इसको ऐसे आएगी, तो ये आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 आप ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए आपको कितना छोटा बड़ी चाहिए। मेरे लिए मुझे इतनी ही चाहिए 10, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर एंड में आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, और एक चेन बनाई, वो थोड़ा सा लंबा धागा लेके हमने कट कर देना है। ये देखिए, अब इस हम लंबे धागे को ऐसे करके इसको हमें एडजस्ट कर लेना है ताकि ये सेफली सिक्योर हो जाए। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, आप अब यहाँ से आप अगर आपने ये जैसे बनाया है, ये आप अपने बच्चे के पालने पे भी टांग सकते हैं। ये देखिए, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। या आप इसको एज ए कीरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगा। थैंक यू।